तो दोस्तों गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट सूरज ब्लॉग में। अब जो मैं ब्लॉग इस बार का बनाने वाला हूं वो हमारा एक विशेषरगंज एरिया है बनारस का, बहुत ही नामी जगह है। और यहां पर ब्लॉग बनाने का मतलब बस ये था, मतलब उसका कारण ये था, ये बनारस में ये जो रॉ मटेरियल है, खाने पीने की चीज़ें, कच्चे सामान की चीज़ें हैं, इसका ये होलसेल मार्केट है बहुत बड़ा। और समझ लो कि आप पूरे बनारस में जितने भी दुकानों की किराना या जनरल स्टोर की दुकानें देखते हो आप लोग, तो इसी जगह से मेन 11 से 11 तक जाता है। इसीलिए मैं सोचा आपको ये बताना और जानकारी देना ज़रूरी था, तो इसी हिसाब से मैंने इसको ब्लॉग में कम्प्लीट करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल में तो मैं इस समय चेतगंज चौराहे पर हूँ और ट्रैफिक से होते हुए उस पार चल रहे हैं। यह है चौकी लौरावीर एरिए की। तो शाम की हल्की धुंधली के साथ ही सूरज ढल चुका है और आप देख सकते हो कि चारों तरफ लाइटिंग वगैरह है, वो स्टार्ट है। दाएं हाथ में रेमंड राइट टेलर शॉप है, चेतगंज के शोरूम है, और इधर लिखा है राम कटोरा मैदागिन विशेषरगंज। और हम लोगों को जाना है विशेषरगंज, तो वहां पहुंचते ही मैं आपको बता दूंगा। और आपको देखने को मिलेगा कि जो चारों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी वो थोक में मिलती, जैसे दाल हो गया, चीनी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वैसी सभी चीज़ें जो आपको मान सकते हो कि कच्चे सामान खाद्य पदार्थ हैं, वो तमाम चीज़ों का ये होलसेल मार्केट है। तो दोस्तों अगर आप बनारस के रहने वाले हो, चंदौली के रहने वाले हो, अगर आपके घर परिवार में कोई भी फेस्टिवल, कोई कार्यक्रम, अगर शादी ब्याह बर्थडे या कोई भी ऐसा काम पड़े जिसमें लोगों की जनसंख्या के आधार पर खाने पीने का व्यवस्था हो, तो आप लोगों को इस मार्केट में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बजट हो जाता है सामान का। थोक रेट के कारण जो यहाँ का सामान वगैरह काफ़ी सस्ता मिलेगा। अब हम लोग धीरे धीरे पहले तो मैदागिन चौराहे पर पहुँचेंगे, उसके बाद विशेषरगंज पहुँचेंगे। ताले चाबी की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ इस समय ये जो मैदागिन चौराहे पे, और मैदागिन चौराहे से कुछ ही दूर पे बहुत आगे पड़ेगा ये जगह, तो अब हम लोग डायरेक्ट वहाँ चलते हैं, फिर आगे का मैं ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। जिस जगह की मैं बात कर रहा था लगभग हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। एक अपोजिट साइड आप लोग देखो डाकघर है, और यहाँ से हमारा ये जो विशेषरगंज का थोक मार्केट एरिया है शुरू होता है। सैंपल के लिए आप लोग देख सकते हो इधर चाय, जैसे लक्ष्मी चाय वगैरह या चाय की कोई भी दुकानें हैं, तो यहाँ पर देखिए फुटकर साफ साफ लिखा है कि यहाँ की जो चाय वो फुटकर और थोक दोनों के विक्रेता है, तो कुछ इस तरह की दुकानें हैं। तो अब ये जो चाय की दुकानें, यहाँ केवल और केवल चाय की ही दुकानें हैं, उसके अलावा और कोई दूसरी नहीं है। तो इस तरीके से शुरू होती है, दो दुकानें ये दो बंद हैं, और आगे देखो रात्रि नाम से एक और दुकानें हैं, तो ऐसे ही ये शुरुआत हो जाती है यहाँ से। बारिश से थोड़ा सा उमस भी बढ़ गया, इसीलिए आप मेरे चेहरे पर पसीना देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा रस एरिया, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ करना। इधर देखो ये तंबाकू की दुकान है पूरी, जो पूरा एक लाइन से यहाँ जमी हुई है। आपका भीड़ वाला मैं दिखा दूँ कि क्या भीड़ का यहाँ का हो जाती है इस मार्केट एरिया में। मेरे पीछे देखो आप लोग, सब दुकानें आप देखोगे, जो भी सामान की चीज़ें यहाँ पर सेम चीज़ वही मिलेगा ही, और पूरा होलसेल मार्केट है ये। इधर आप देखो रिफाइंड तेल का है, सरसों का तेल का है, अब जो भी यहाँ सामान हैं वो सेम और सेम वही चीज़ ही मिल रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया इसी तरीके का है यहाँ का।
घर जैसे है ये दालों की दुकान, केवल यहाँ दाल ही दाल है हर किस्म के, थोक और फुटकर दोनों ही। तो दुकानें आप लोग देख रहे हो कि कुछ इस तरीके की ये दुकानें हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है कि फूड मार्केट, ये जो है कच्चे सामानों की दुकानें, कच्चे हैं कुछ डायरेक्ट खाने वाले हैं। तो ऐसे कम मंडियाँ दोस्तों लगी हुई हैं अभी भी, और बहुत सारे ख़रीदार हैं जो अपनी छोटी छोटी दुकानों के लिए यहाँ से शॉपिंग करते हैं, ख़रीदते हैं। ये सब दुकानें जो हैं पूरी बहुत बड़ी बड़ी गोदामें हैं दोस्तों यहाँ पर, एक प्रकार से एकदम स्पेशल मार्केट है इधर का। पूरे बनारस भर में जितनी भी आप छोटी बड़ी दुकानें देखोगे सबका सप्लाई करीब करीब यहाँ से ही होता है। आप देखो यहाँ लिखा है विशेषरगंज अलईपुर माल गोदाम मार्ग। सभी सामान जो है कि ऐसे ही जाते हैं, आप चारों तरफ देखो यहाँ पर रास्ते पर जितने भी सामान हैं सब वही जाते हैं आपको, कच्चे सामानों के तेल है वगैरह सभी कुछ चीज़ें। तमाम दुकानें आप लोग देखोगे इसके दोनों साइड, मैं रोड की पटरी की साइड आ गया हूँ, सभी जगह स्टॉक की दुकानें हैं या तो गोदाम है छोटी बड़ी, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए आप यहीं पर विज़िट कर सकते हो। बहुत ही बड़ा ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब इधर जैसे दाल की दुकानें और चावल की दुकानें आप देखो कि इधर हर जगह केवल एक ही गोदाम जैसे लगा हुआ है एक ही चीज़ों का, तो हर जगह ऐसे ट्रैक बाय ट्रैक या सिस्टम बाय सिस्टम कर करके धीरे धीरे इस पूरे दुकान को बनाया गया है। हालांकि ये अंग्रेज़ों के समय से है यहाँ पर, कोई नया नहीं है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मंडी है और बहुत दूर तक है, इसको तुरंत अगर बनाता रहूँगा छोटा छोटा करके तो भी एक घंटे से ज़्यादा बीत जाएगा। आप रोड के किनारे देखिए पूरी ये गोदामें ही गोदामें, चारों तरफ केवल वही है, जहाँ पे जो वर्कर वगैरह हैं फुल काम केवल यही है ये लोगों का। आप यहाँ से देखो ट्राली हो रिक्शा हो तमाम जगहों से ऐसे ही जा रहे हैं। थोड़ा सा आप तो जान रहे हो कि इस समय नवरात्र का समय चल रहा है तो ये लाइटिंग वगैरह भी इसी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सभी दुकानें जो वगैरह हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि बहुत समय पहले से हैं, अंग्रेज़ों के समय से है, उनके द्वारा स्थापित किया गया ये जगह है। तो खाने पीने के हर एक आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो पकाया जा सकता है या डायरेक्ट जो सप्लाई होता है वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ख़रीदने को मिल जाएंगी। तो आपके किचन में बनने वाले हर एक सामान का होलसेल मार्केट यहाँ पर है जो खाने से संबंधित हो। तो विशेषरगंज पे हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों ने देखा और आप लोगों को जानकारी भी मिली होगी इस थोक मार्केट का जो अंग्रेज़ों के समय से भी है। तो आज का ब्लॉग केवल यहीं पर, और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आप मेरे साथ जुड़िए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।